السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जाल हक़ को वजह कल बातिल इन्नल का ना जहू का <coughs> सदर मोहतरम और आलमगीर अबाब जमात मेरी तकरीर का अनवान है आजूर अलैहि वसलम शफ़ात बारी तला के बेहतरीन मदर <coughs> ये बीस रमजानबारक आठ हजरी का तारीखी दिन था जब हमारे आकमा हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम दस हज़ार कुदूसियों के जुल में फातिहाना शान के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हुए आप अपने हाथ से खाना काबा में रखे बुतों को गिराते जाते थे और इसी आयत की तिलावत फरमा रहे थे कि जाल हक वक़ अल बािलह हक आ गया और बातिल भाग गया क्योंकि बातिल की सृष्ट में भागनाई रत्न से तो सलाम फरमाते हैं, इस आयत में हक़ से मुराद अल्लाह ताला भी है और क़ुरान भी और रसूल करीम वसल्लम भी और देखो किस तरह खुदा ने अपने नाम के साथ मोहम्मद अलैहि वसल्लम का नाम शामिल कर लिया क्योंकि आप सफ़ात बारी ताल के मदर आत्म थे अगर अल्लाह ताला कामिल सच्चाई है जो तो रसूल करीम सल्लाम ज़मीन पर उसका कामिल नमूना है रसूलुल्लाह रसुल्लाम की कौम दावा से पहले भी और दावा के बाद भी आपको सादिक को रमीन करार देती थी और ये एजाज़ इतनी शान के साथ किसी और नबी को नसीब नहीं हुआ हमने वाक्य ये है कि अल्लाह एक तखफ़ी खजाना था उसने चाहा कि वो पहचाना जाए सो so, उसने अपनी सूरत पर आदम को पैदा किया एक रवायत के मुताबिक दस लाख हम्बया दुनिया में आए जिन्होंने खुदा की सिफात के जलवे दिखाए मगर महदूद कौमों के लिए महदूद वक्तों के लिए और महदूद इस्तादों के साथ यहाँ तक कि सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने उस कामिल इंसान और आलमी रसूल और खुदा नुमानवी को भेजा जो सारे पहले नबियों की शानें और बरकतें हज़ारों गुना बढ़ा कर लाया और सिफातें लाइया का मदर बना जितनी इंसानी सिफात का धूर इंसान से मुमकिन था वो उसने करके दिखाया और यही बशारत हजरत ने अपने जमाना में अल्लाह से ख़बर पा कर दी थी कि खुदावन सेना से आया और शहीर से उन पर तुल्लू हुआ <coughs> और फारान के पहाड़ से उन पर जलवागर हुआ वो दस हज़ार कुदूसियों के साथ आया और उसके हाथ में उनके लिए एक आठ सी शरीत थी हजरत सद् असलम फरमाते हैं इस पेशगोई का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के जलवे मूसा और ईसा से होते हुए फारान के पहाड़ तकदस मोहम्मद रसूल सल्ला वसल्लम की धात में अपने कमाल को पहुँचे आइए इनके कुछ नज़ारे करते हैं बात अल्लाह ताला की उन बुनियादी सिफात से शुरू करते हैं जो सूरत फातह में रह गए अल्लाह की पहली सिफत रबालमीन है यानी अल्लाह ताला हर चीज़ को आहिस्ा आहस्त तरक्की देकर कमाल तक पहुँचाता है रसूल करीम अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंसानियत आम तौर पर और अरब ख़ास तौर पर रूहानियत से बिल्कुल वे थे रसूल करीम सलील आल वसलम ने उन्हें माँ की तेरे रुहानियत को दूध पिलाया उन वाशियों को इंसान बनाया उन इंसानों को बाखलाक बनाया और फिर उन बाखलाक लोगों को खुदा नुमा बना दिया इसलिए आपने खुद फरमाया कि अल्लाह अल्लाफी सभी तुम्हें मेरे सहाबा में खुदा ही खुदा नज़र आएगा और रबालमीन खुदा ने रसूल करीम सल्लाम को रामीन के अबदी ख़िताब से नमजा अल्लाह तमान है यानी बिन मांगे देने वाला है आज रल्ल्लाम ने इंसान को बिन मांगे कुरान जैसी शरीयत और सुनत जैसी नेमत अदा की और अखलाक आलिया को कमाल तक पहुँचा दिया इसलिए अल्लाह ताला ने भी आपसे खताब करते हुए फ़रमाया कि इन्ना कला खोलो की नदीम तो खोलो के नजीम पर फायद अल्लाह ताली की एक सिफत रहीम है यानि वह मेहनत का आजर देता रसूल करीम सल्ला वसम ने सहाबा की छोटी छोटी मेहनतों का लासानी अजर अता किया आपने उन गैर मरूफ लोगों को आसमान के सितारे बना दिया और सैकड़ों सहाबा को जन्नत की मशारतें दी हज़रत बकर रज़ी अल्लाह जब खलीफा बने तो उनके वालद ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके बेटे को और अरब के सारे कबाइल ने खलीफा तस्लीम कर लिया हज़रतुमर रजी अल्लाह एक दफा हज से वापसी पर एक वीरान इलाक़े में एक पत्थर पर बैठ गए और आंसू माने लगे वजह पूछी गई तो फरमाया कि मैं अपने बाप के ऊंट यहाँ चराया करता था एक दफ़ा मुझे देर हो गई तो मेरे बाप ने मुझे दी और आज सैकड़ों इंसान मेरे पसीने की जगह अपना खून बनाने के लिए तैयार उस राफे और रफी उदरत खुदा के मदर आताम नेस्मान को जो नूरान और अली को खत्म लौलिया बना दिया ज़ाहिर बिन हराम एक गरीब साबित थे गाँव से सब्जी ला कर मदीना में बेचते थे लेकिन बदसूरत होने की वजह से लोग कोई उनके ज़्यादा करीब नहीं आते थे एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे तो प्यार से पीछे से आकर उनकी आँखों पर हाथ रख दिया और फरमाया बताओ तो मैं कौन हूँ ज़ाहिर ने दिल की आंखों से देखा ये वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम के अलावा कौन हो सकता है उसने रसुल्ला के जस्म से बरकत लेने शुरू किया रसोल्ला के जज्ब शफकत और जोश में आया और आपने फरमाया कि मेरा गुलाम है मैं उसको बेचता हूँ कौन उसे ख़रीदता है उस गरीब साहबी ने रज किया यारसोल्ला मेरे नाकारा इंसान को कौन ख़रीदेगा आपने फ़माया समझ कहो अर्श का खुदा तुम्हारा ख़रीदार है किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया किसने जर्रों को उठाया और सहारा कर दिया किसकी हमत ने यतीमों को किया दुरे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसानियत नार रसूल करीम सल्ला के ज़रिए खुदा ताला की सफ़त मालक योम दीन और मालिकमल्क भी दायर हुई आप दीन के बादशाह भी बने और दुनिया के बादशाह भी बने वो मक्का जिससे आप रात को छुप कर एक साथी के साथ निकले थे उसी मक्का में आप दिन की रोशनी में हज़ारों साहबा के साथ दाखिल हुए और बादशाहों की तरह पूछा कि बताओ तुमसे क्या सलूक किया जाए रसूल करीम अलैहि व को इसलिए हैरत ऐसा ने खुद कादिर और अबदीयत के नाम से पुकारा था रसोल करीम सल्म ने अफव अल्लाह ताला की तफत अफव और गफूर के भी वो नज़ारे दिखाए जिनकी तारीख़ इंसानियत और तारीख़ अम्बिया में कोई मिसाल नहीं मिलती हैरत यूसफ ने तो ला तसरीबा लकम कह अपने भाइयों को सजे भाइयों को माफ़ किया था रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने जानी दुश्मनों को माफ़ किया अपने चचा हमज़ा के कातिल को माफ़ किया अपनी बेटी जानब के कातिल को माफ़ किया अबू जहल के बेटे इकरमा को अपने मज़हब पर कायम रहते हुए मक्का में रहने की इजा दी तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसने कहा यार रसूल आज तक मैंने इस्लाम की मखालफत में जितना वक्त और माल खर्च किया है उससे मैं आप कई गुना ज्यादा माल और वक्त इस्लाम की राय में खर्च करूंगा रसूल करीम वसल्लम ने शख्स को भी माफ कर दिया जिसने तन्हाई में आपकी तलवार उठाकर कहा था बताओ आप में कौन बचाएगा और आपने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा उस वक्त अल्लाह ही था जो उसके दिल पर नादल हुआ और उसने रसुल करीम सल्लम के रोब से उसको मामूर कर दिया रसूल करीम सल्लाम ने जैर देने वाली यहूदिया को भी माफ कर दिया आपनेजरत आशा पर इम लगाने वाले अब्दुल्ला बिन नबई बिन सलूल जो रईसल मुनाफीन था उसके बेटे को अपने बाप की कत्ल की इजाजत नहीं दी और सहाबा के रोकने के बावजूद उसका जनाजा पढ़ाया ऐसे अफब की नबियों में कोई मिसाल नहीं मिलती <coughs> के तहत आपने दुनिया को इस्लाम या समझा पता किया और फरमाया हर शख्स को सलामती पहुंचाओ खा तुम उसे जानते हो या नहीं जानते जंगान के सफर में एक शख्स ने सख्त जूता पहना हुआ था पेड़ की वजह से उसके पाँव रसूल करीम वसल्लम के पाँव पर आ गया तो रसूल्ला ने तकलीफ़ की वजह से उसको छड़ी से दूर उठाया वो साहबी अपनी इस बात पर नादिम था कि मैंने रसूल्ला को तकलीफ़ पहुँचाई है लेकिन अगली सुबह रसूल करीम सल वसलम ने उसे बुलाया और उसे अस्सी बकरियां देते हुए फरमाया कि ये उस तकलीफ का बदला है जो मैंने तुम्हें पहुंचाई थी सफत मोमिन के माने हैं अमन देने वाला इसके मुताबिक अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना को अमन के शहर करार दिया फरमाया जो खाना कबा में आ जाए उसको भी अमन है जो अब सफियान के घर में चला जाए उसको भी अमन है जो बिलल के झंडे तले आ जाए उसको भी अमन है जो अपने घर में बैठे उसको भी अमन वो वह जो आपको सौ ऊँटों की लालच में गिरफ्तार करने के लिए आया था रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया और फरमा दिया कि सराखा के सराखा के घर में जो बैठ जाए उसको भी अमन है रसूल करीम अलैहि वसल्लम की तली सही का यानदार लाया और आज जमातम दिया सारी दुनिया में अमन के क्याम के लिए को है और इसका सरबरा दुनिया में अमन का सफ़ीर गलत हदैबिया के मौका पर दुश्मनों ने रसूल करीम अलैहि वसल्लम को कुर्बानियां करने की इजाजत नहीं दी थी रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने हदैबिया में ही कुर्बानियाँ कर दीं बजाए मक् बजाय खाना कहबा के करीब जाकर तो रसूल करीम सल्ला ने उन क़ुरबानियों का उन मक् वालों को भिजवाया जिन्होंने आपको यह कुरबानियाँ नहीं करने दी थी आप क्या सर उफरम थे एक बार कुछ चादरें आईं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा में तकसीम की एक सहबी कुछ देर से मालूम हुआ तो वो कुछ नाराज़गी के आलम में आए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर लेकर बाहर आए और फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए ये चादर छुपा के रख ली थी एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की कलेजी भूनने का हुक्म दिया अपने साहबा में ख़ुद अपने हाथों से तकसीम की और फिर जो साहबा मौजूद नहीं थे उनका अहसा आपने महफूज कर लिया आप कैसे शाकिर और शिकूर थे हज़रत बकर और हजरत खदीजा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखते थे ताइफ के वाक़ा के बाद एक मश्रक सरदार मतम बिन अदी ने आपको पना दी थी मगर बदर की फतेह के मौका पर वह फौत हो चुका था लेकिन रसूल करीम सल्ला को उसका एहसान याद था करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर आज ये शख्स न जिंदा होता और मुझसे इन कैदियों की रिहाई की सिफारिश करता तो मैं इन सत्तर कैदियों को रिहा कर देता आपने इंसानों के शुक्र को भी कमाल तक पहुँचा दिया और अल्लाह के शुक्र को भी कमाल तक पहुँचा दिया सारी सारी रात तज में खड़े रहते हैं और जब आपसे कहा गया कि आपके तो सारे गुनाह अल्लाह ने बख्श दिए हैं आप क्यों इतनी तकलीफ़ उठाते हैं तो आपने फरमाया क्या मैं अल्लाह ताली का शुक्र गुज़ार बनूँ और यकीन आप अल्लाह की सफ़त शकूर के सबसे बड़े मदर थे आप अवल भी थे अल्लाह ताला ने फर... अल्लाह ताला तसूल करीम अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सबसे पहला मेरे नूर पैदा किया और मैं उस वक्त भी खातुम था जब आदम अभी तख्लीक़ के मरायल तय कर रहे थे आप आखिर भी थे क्योंकि आप वो आखिरी शरीयत और कानून लाए जिसके बाद और कोई शरीयत और कानून नहीं आपने खातम नबी खातमनबीन की तफसीर करते हुए फरमाया कि अना अना खात अना आखिर लंबई आए वह मस्जिद ही आखिर मसाजदे मैं नबियों में सबसे आखिरी हूँ और मेरी मस्जिद तमाम मस्जिदों में सबसे आखिरी अला आसमानो जमीन का नूर है और अल्लाह तला ने अपने नूर की मिसाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सिने और मतहर दिल से दिए आपने अपने नूर से अरबों को कैसे बदला वो अरब जो पांच वक्त शराब के अंधेरों में भटकते थे वो पांच वक्त खुदाए वाहिद की इबादत से जगमगाने लगे वो जो नाच गाने के रसिया थे वो कुरान की तलावत से लजतने लगे हरतर ने एक दफ़ा मशहूर शायर लबीद बिन रबिया को लिखा कि मुझे अपने कुछ ताज़ा शार लिख भेजो तो उन्होंने सूरत बकरा की चंद आयात लिख दी और कहा कि जब से कुरान सुना है हमने तो शायरी छोड़ दी इसलिए मसीमदलाम फ़रमाते हैं नूर लाए से खुद भी वो एक नूर थे कौम वाशी में अगर पैदा हुए क्या जाए यार पर बनाना आदमी वाशी को है एक मजदा मानिए राज है ऐसी से आज कर आप अल्लाह तफते हम और मजीद का भी मदर थे अल्लाह ने आर्ज से आपकी हमद की तो आप मोहम्मद के लाए लाखों फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं और करोड़ों ईमान आपके इशारे पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इस ज़मीन के जो बीस घंटों में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जो मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर दूर न भेजा जाता अल महमद वाला मोहम्मद वबारक व्कामद मजीद ये वो मकाम मबूद है जो ख़ास तौर पर मोहम्मद को सता किया गया है इसलिए एक हिंदू शहर कहते हैं इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पेजारा तो नहीं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसम्मल्ला तफ़ के भी मदर थे अपने मकाम और मनसब के लिहाज से एकता थे आप मेरा के सफ़र में तमाम नबियों और तमाम फरिश्तों को ये छोड़ते हुए उस मकाम तक जा पहुँचे जहाँ से उलूत की याद शुरू होती थी और इंसानियत के ख़ात्मा होता था इसलिए हजरत नसीम फरमाते हैं शान अहमद रात जुद खुदा वंद करीम आचना चुना अज खुद जुदाश आफ्ताद मीम के रसूल करीम सल्लासम ने अपने आप को खुदा की महब्बत में इस तरह फना कर दिया कि अहमद की मीम दरमियान से गिर गई और सिर्फ अहद का लफ्स बाकी रह गया और आप अल्लाह तला की सिफत अहद के मदर याता मंगे आप अल्लाह तफत के भी मदर थे खुदा ने आपको गुरबत के दौर से भी गुजारा मगर कभी आपने किसी से कुछ नहीं मंगा आपके लिए खुदा तला ने दौलत के अंबार फराहम कर दिए मगर खुदा की राह में आपने सारे खर्च कर दिए आपकी सिफत के नाव शुक्त भी दायर हुई जब जंगे हुनैन के मौका पर अब तिलों और तलवारों की बुझाड़ में ये शेर पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे अनं नबी और लाखब अब्दुल अब्दुलमतलब मैं खुदा का सच्चा नबी हूँ झूठा नहीं हूँ लेकिन याद रखना मैं इंसान हूँ और अब्दुल अब्दुलमतलब का बेटा ये गंदा और सख्त भी दायर हुई जब हुदैबिया के मौका पर मुसलमानों ने कैसे माहदे पर दस्तखत किए जो बाजार मुसलमानों के खिलाफ था और कई सहाबा को इसकी वजह से इबिला भी पेश आया हरत उमर ने की, यार सूल अल्लाह आप ऐसी जलील शरायत को क्यों कबूल कर रहे हैं रसूल के नईम सल वम ने फरमाया मैं खुदा का पैगम्बर उसके नबी हूँ उमर मेरे रास्ते से हट जाओ मैं वही करूँगा जो खुदा चाहे और उसी रात अल्लाह ताला ने आप पर सूरत फतः फरमाई और आपको अजीम फतौहत की बशारत फरमाई आप अल्लाह तफत अजीज़ और गालिब की मदर थे आपको अल्लाह ताला ने शरीर में कसी और कमज़ोरी की हालत में नहायत अला दर्जा की फतूहत की बिशार दी और फिर साथ, साथ उनको पूरा होता चल, करता चला गया और आज तक वो बुरी हो गई मदीना की रियासत जब आप मदीना में तशरीफ़ लाए थे तो चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल थी और जब रसूल करीम सल वसम फौत हुए तो दस लाख मब्बा किलोमीटर पर, पर फैल चुकी थी और खिलाफ तरशा के दौर में वह तीन बरियाज़ों पर मुहित हो गई आप अल्लाह तला की सफ़त वहाब और मोती और जवाब के भी मदर थे खुदा की राम में इतना लटकाया कि शेर हो गए आप अल्लाह की सफत खालि कर्बारी और फातर और मसविर के भी मदर थे आपने ऐसे नए रूहानी अरदोसम तख्लीक किए जिसके आप खुद खुदसूरत थे और हज़ारों सहाबा और खलफा राशिदेन और तेरह सदियों के सैकड़ों मुफसरन और महदसिन और मजदीन उसके चाँद सितारे थे जो हमेशा दुनिया को रोशन करते रहेंगे और इनमें वो चौदहवीं का माए तमाम मसीह मऊद भी है जिसने मसीह मऊद जिसने रसूल करीम सल्ला व्लम के सारे अनुार को मुनस किया और दिखा दिया कि अगर चाँद ऐसा है तो सूरज कैसा अल्लाह ताला की एक सफ का यूर भी है जिस तरह खुदा अपने प्यारों के लिए गरत रखता है उसी तरह रसूल करीम सल्लाम तोहद के लिए गरत रखता था और के मौका पर जब दुश्मना यह ऐलान किया कि नवजुल्लाम ने मोहम्मद को और उमर को और अबू बकर को कत्ल कर दिया तो आपने जंगी इकमत अमली के तहत फरमाया रहो। लेकिन जब अबू सुफियान ने तोहीद पर हमला किया और बुद्ध जिंदाबाद का नारा लगाया लगा तो रसूल क़रीम वसल्लम तलब उठे और फिर आप बोलो जवाब क्यों दे देते कहो अल्लाह वाला वजल अल्लाह मौलाना वलामालाकुम अल्लाब से बर्तर है अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं नाराय तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा मोहसन इंसानियत नार अल्लाह ताला बहुत हया करने वाला है साहबा कहते हैं कि रसूल करीम वसल्लम तमारी लड़कियों से भी अज़ाह थे और अगर आपको कोई बात ना पसंद होती तो हम आपके सिर्फ चेहरे के तसरा से मालूम कर लेते थे अल्लाह ताला की एक सब सतार भी है आप लोगों को भी तालीम देते थे कि खुदनी सतारी भी करो और गैरों की सतारी भी करो रतबर तो बैन करते हैं कि रसूल करीम सल्लम की एक ऊँटनी गुम हो गई एक अरबी को मिली तो उसने रासूल करीम सल्लम को तोहफे के तौर पर दे दी रसूल करीम सल्लि व्लम ने उसे यह बताए बग़ैर कि यह मेरी उठनी है बदले में उसको सात उठनियाँ तोह के तौर पर अफरम आप अल्लाह तफ़ा कादिर और कदीर और मख्तर के भी मदर थे अल्लाह ने आपके हाथ पर महयरकूल मोहदे दिखाए बदर के मैदान में रेत की एक मुठ्ठी तेजानी भी तब्दील हो गई जंग आज़ाब में चंद आदमियों का खाना एक हजार के लिए काफ़ी हो गया खुदाबिया के मकाम पर एक प्याले में जिसमें चंद घूट पानी था आपने अपना हाथ रखा तो उसमें पानी के चश्मे फूट पड़े एक सबी की टांग फ्रैक्चर हो गई रसूल करीम ने उसको मस्त किया तो वो ठीक हो गई हैरत अली रजी अल्लाह तुकी की आँख में तकलीफ थी रसूलों ने आँख पर हाथ फेरा तो वो शफा हो गई इन वो को समझने से आज भी कासर है मगर अल्लाह आज भी रसूल व करीम सल्लम की बरकत से ही मुझे दिखाते आप अल्लाह तफत जामे के भी मदर थे आपने पहली दफ़ा आलमी रसूल होने का ऐलान किया और दुनिया की तमाम कौमें आप परी माले आई और आपने अरब वजब का इम्तजाज मिठा दिया काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म हो गया और आपने फाया के तकवा फजीलत के मैार और सिफत जामे के दूसरे दौर दूसरे जहूर का दौर यह है जब मसीह मऊदात की बरकत से दुनिया भर में रसूल करीम सल्ला का पैगाम पहुंचाया और फैलाया और आज दुनिया भर की कौ खुदा के खलीफा के हाथ पर बैठ करके रसूल करीम सल्लि वुलामी में शामिल हो मेरे बाए तरफ बाहिरते दो सौ तेरह मुल्कों के झंडे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह तफत जामे के आप कामिल तरीन मज रहे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस्लाम अहमदिया अहमद की खिलाफत अहमदिया नारीम सल्लाम अल्लाह तफ़त अलीम और अलाम को के भी मदद। थे आप पर नादिल होने वाला कुरान गायब का समंदर है जिसकी पेशकोइयाँ आपके ज़माने से लेकर आज तक पूरी होती चली आ रही हैं और पूरी होती चली जाएंगी गौर कीजिए एक अनपढ़ कौम के उम्मी नबी पर कुरान नादिल हुआ और उस कुरान ने यह खबर दी कि एक दफ़ा ये किताब बनेगी और एक ज़माना आएगा जब दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखी और पढ़ी जाने वाली किताब यही कुरान करीम होगी और आज हम उस जमाने में हैं जब हर कुरान पढ़ने वाला इस पेशगोई के पूरा होने और रसूल करीम सफ़त अलीम का मदर होने की खबर देता है <स्यान> रसोल करीम सल्लम ने जो पेशगोयाँ फरमाई उसमें आखिरी ज़माने की खबरें ख़ास तौर पर कब्लिक हैं आपने इस्लाम के तजुल की खबर दी फिर इस्लाम के दोबारा रूज की भी ख़बर दी आपने द और यजू माजूज और उनके फतनों और उनके सांसी यादाद की भी ख़बरें दी आज ये सारी जदात रहे हैं इन सब की पेशगोयाँ रसूल करीम सलील आल के कलाम में मौजूद है इसलिए आज जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है इसकी हरी याद पर मोहम्मद रसूल सल्हल की सफ़त आलिम के सया रसूल करीम सल्हल ने ही तो ये भी बशारा दी थी, थी कि आखिरी दौर में मसीह मऊद के ज़रिए फिर खिलाफत ला हाजन मौत का क्या मौका और उसका मसीह मऊद का मोनादी यासनिदा करेगा आसमान से निदा करेगा कि मददी आ गया उसको कबूल कर लूँ और रसुल करीम सल्ला वसलम के, के फ़ैज़ से तरबीत याफ्तर लोगों ने यह बशारक भी दी कि इमाम मददी के ज़माने में मोमिन एक दूसरे को देख लेंगे इमाम मददी एक जगह से ख़िताब करेगा और सारी दुनिया के लोग उसको अपनी ज़मानों में देखेंगे अपनी ज़बानों में सुनेंगे और उसकी तस्वीर को देखेंगे आज हम वो खुशकस्मत हैं और उसमत ज़माना में दाखिल हैं जब ये सारी पेशगुयाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हो रही बस आज हर दिन जो जमात हम या पर चढ़ता है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की सफ़ात के मदरिया तम होने का ऐलान करता है आज हर वो सूरज जो तल्ह होता है <coughs> और नई नई ईजाद जाहिर होती हैं नए नए फितने दायर होते हैं और उन फितनों के इस्तीसाल के लिए मुसीम का खलीफा कदम उठाता है इन सबकी पेशगुईया रसूल करीम वसल्लम के कलाम में मौजूद हैं और ये गवाही दे रही हैं कि आप अल्लाह ताला की सिफत अलीम और अल्लाह युव के मदद थे सैद सैयद अल्लाह ताला इस मदमून पर रोशनी डालते हैं अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा रंग पकड़ो और मेरे रंग में रंगीन मेरे रंग में रंगीन हो मेरी सफ़ात इख्तियार करो तभी तुम मेरे हकीक ला सकते हो अल्लाह ताली के तामील में अल्लाह के सिर्षात की अला तरीन मिसाल इसमें कोई शक नहीं कि रसूल करीम अलैहि वसल्लम के अलावा किसी फ़र्द में नहीं पाई जाती सैद नाजरतम सैम्ला सलाम आदरत सल्लम की ऐबरक़ का नक्शा इस तरह खींचते हैं जिससे पता लगता है कि आप कैसे खुदा की सफ़ात के मदरहतम थे फरमाया वो इंसान जो सबसे ज़्यादा कामिल और का इंसान कामिल था और कामिल नबी के साथ आया कामिल बरकतों के साथ आया जिससे रूहानी बास और अशर की वजह से दुनिया की पहली क्यामत जाहिर हुई और एक आलम कालम मरा हुआ जिंदा हो गया वो मुबारक नबी हरत ख़ातबैया इमामसली फ़खरनबीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम हैं ए प्यारे खुदा इस नबी पर वो रहमत और द्रुद भेज जो इब्ताय दुनिया से तूने किसी पर ना भेजा हो अहमद वाल महमद वारकलम का हमीद मजीद वाखर उदावाना